Just love, love for my children. And that is how I worked, and it has worked out. You can see for yourself how you have learned to love each other. I wish all over the world people develop that love, that universal love for each other. All the our problems will be finished. No wars, no ill feeling, nothing. Only there will be a beautiful wave of love among ourselves. All these things can happen, and we can recite in a very calm and collective way all the time. What is happening today is not of my liking, because to me they are all one. Or what is the need to have fights and to have differences? If they could just meditate, they will know that they are all one. There's no difference at all. My only wish is that all of you should get your realization and that you meditate. May God bless you. Thank you. Thank you, ShriMataji, for blessing the entire humanity with enormous love. You have given us a very simple and spontaneous meditation, Sahaja Yoga. आज हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दिल्ली के राजीव मिलिंद जी का, जो एचआर एंड क्वालिटी एक्सपर्ट हैं. इन्होंने अपनी पढ़ाई पिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरी की. अपने करियर की शुरुआत 1979 में की, पर इनकी पढ़ाई का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ और इसके बाद इन्होंने अपनी फील्ड में बहुत से कोर्सेज किए. 1986 में पीजी डिप्लोमा इन एचआर कोर्स, 1980 में फर्स्ट हीट असेसर कोर्स इन इंडिया. ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मेम्बर ऑफ FIE, विच इज़ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स. इनके 37 साल के करियर में इन्होंने 100 से भी ज़्यादा विख्यात प्रोजेक्ट्स हैंडल किए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और कई प्राइवेट कंपनीज के साथ काम किया, जैसे LG, हीरो ग्रुप, जिंदल, गोदरेज एक्सेट्रा. देश विदेश की यात्रा तो की ही, इन्होंने राइट्स में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी काम किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेंट बनकर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स भी हैंडल किए. तरह तरह के लोग सहज मेडिटेशन करते हैं, तो आइए चलिए जाने राजीव जी ने सहज के माध्यम से सभी जिम्मेदारियों को बखूबी कैसे निभाया. मैं अपने आप को एक क्वालिटी और एचआर का से संबंधित व्यक्ति मानता हूँ. एक्सपर्ट हम एक्सपर्ट चलिए आपकी आप नहीं कह रहे. तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूँगा कि क्वालिटी और एचआर के फील्ड में रहते हुए मेरे जीवन पे या मेरे अनुभव में सहज योग का क्या प्रभाव पड़ा. जी जी, विद योर परमिशन. जी प्लीज प्लीज. देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उसमें सबसे अहम चीज़ है वो है कि आपका एक अच्छा इंसान होना. इंसान सब अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी अलग अलग प्रवृत्तियां डेवलप होती हैं एज वी ग्रो. आप अच्छी प्रवृत्तियां भी करते हैं, डेवलप करते हैं, कुछ दूसरे प्रवृत्तियां भी आ जाती हैं. तो ये सहयोग जब मैंने करीब 2001 में बड़े एक्सीडेंटली मेरे को एक्वायर किया, या मेरे पास ये ईश्वर ने मेरे को ब्लेस किया. मैं उस समय पे जॉन्डिस से पीड़ित था जी. घर पे बेड रिडन था जी, और मेरे को हिलने की, चलने फिरने की पूरी मनाही थी जी.
उस समय में मेरी सिस्टर पूनम जो यहाँ पर बैठी हैं जी, ये आती थी मेरे पास। एक दिन आई और मेरे कमरे में इन्होंने एक भजन का कैसेट लगा दिया और इन्होंने एक श्री माता जी की फोटो लगा दी वहाँ पे जी, और कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम बस ये भजन सुनो जी और श्री माता जी को देख करके प्रे करो जी। मतलब इन्होंने आपको बोला, इन्होंने श्री माता जी की फोटो लगाई और बोला कि आप इसको देख के प्रे करिए, उनको देखिए जी और भजन का आनंद लीजिए जी। तो वो धीरे 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 करते हुए इतना आनंद आना शुरू हुआ कि हम उसमें लीन हो गए जी। और पता नहीं कब इन्होंने फिर रियलाइजेशन मेरे को दिलवाया जी। और जो एक मैं एक बहुत अग्रेसिव व्यक्ति बिफोर दिस एक्सपीरियंस हुआ करता था, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ जी, जो गलत प्रवृत्तियां, नहीं गलत नहीं कहना चाहिए कि वो डिमांड है जिसको जॉब से बोला जाता है, जॉब डिमांड्स के कि आपको टारगेट को मीट करना है, एग्जैक्टली आपको एक टाइम बाउंड है, जो कि हम सोचते हैं कि शायद ये हम एग्रेसिव होके जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहा जाता है कि अनलेस यू आर स्मार्ट, एंड स्मार्ट होने का तरीका ये है कि भाई आप एक के दूसरे के ऊपर हावी होकर के उसके कंधे पे सर के रख के चले, तो शायद मैं भी उसी प्रवृत्ति में था। तो जब मैं सहयोग में आया और जब ठीक होकर के जॉन्डिस से ठीक ठाक होकर के मैं जब वापस ज्वाइन किया तो जो मेरे कुलीग्स थे उन्होंने कहा कि यू आर नॉट द सेम पर्सन। अरे वाह क्या बात, यू डोंट बिहेव द वे यू यूज्ड टू बिहेव। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, दे फाउंड इट टू बी ए ट्रांसफॉर्मेशन इन माई सेल्फ, एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि शायद कुछ चेंज हो गया है, कुछ एक बोझा जो था सर के ऊपर वो बोझा हट गया है। We have to understand that life has to be enjoyable, life has to be a blessing, not to be a misery. We create our own miseries by these false ideas, by our own convictions we have in our mind, mental projections we have in our mind, or our own obstinacy, whatever it is. All these things can be cured if you take to Sahaja Yoga, because you become a balanced person, level-headed, wise person, and you become a witness. The whole thing becomes like a show, like a drama, and you become fearless. You start seeing the whole thing like a drama. And this is what a human being has to achieve. We talk of peace, we talk of no war, we talk of many things like this, you see, atomic bomb, this, that. All that is not going to work out. Only what is going to work out is the transformation of human beings. If the human beings are transformed, things will work out absolutely first class. Not only that, but that they will enjoy the bliss of life. We are missing the point altogether. This is a very important thing that human beings must say one thing. What have you achieved out of all this? Just for a minute to stop and think. मैं क्वालिटी के क्षेत्र में काम करता था। एक क्वालिटी सबसे पहले इंसान में डेवलप होनी चाहिए और इंसान में क्वालिटी डेवलप करने का सबसे बढ़िया साधन कोई नहीं है कि आपके अंदर जो आपके चक्रों में कमियां है, जो आपके डेफिशिएंसी, इंटरनल डेफिशिएंसीज हैं, वो आप ध्यान में बैठे वो दूर हो गए। जैसे आपने कहा कि जब आप बीमार थे जी, तो आपके सिस्टम ने आपको रिलेशन दिया, आपने साक्षात कर दिया, उससे आप ये कहना चाहेंगे कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम अपने को जाने और जैसे कि बताया गया है, कोई नई चीज़ नहीं है कि जो हमारी मदर कुंडलनी है उसमें पावर्स हैं और वो अवेकन नहीं होती, वो शक्तियाँ जब हमको आत्म साक्षात्कार मिलता है तो वो जितने भी हमारे जो आप चक्र कह रहे हैं, चक्रों का मतलब ये है कि वो एक हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं और वो सात मुख्य चक्र जो हैं वो जितने उसमें पेटल्स होते हैं उतने वो ऑर्गन्स को संभालते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र है, वो यदि हमारे को उससे रिलेटेड हमारे ऑर्गन्स खराब हैं या ठीक नहीं है, अगर वो चक्र ठीक हो जाता है, एनर्जी सेंटर वो ठीक होता है जी,
तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, आपको कोई एक्सटर्नल मेडिसिन की जरूरत नहीं, एक्सटर्नल की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एनर्जी से मतलब आत्म साक्षात्कार मिलना और वो जो सिस्टम है आपका रूट ठीक हो गया हाँ। तो आपकी बीमारी चली। यू नो एवरीथिंग अबाउट बट दैट टू हैपन यू डोंट हैव टू डू एनी एक्रोबैटिक थिंग, इट्स जस्ट वेरी सिंपल, वेर एवर यू आर सिटिंग इट विल वर्क। But first tell your mind to stop little bit thinking, because this mind has been reacting all the time, reacting to this, reacting to that, yeah. With the result that Kundalini doesn't rise. But when she rises, she is wonderful. Your thought rises like that and fall down, again thoughts come up and fall down. They come from the future or from the past. Present you cannot be in the present. But when Kundalini rises, she elongates these thoughts and there is a space created. It's called as pause, you can call it, in Sanskrit called as vilamba. So your mind stands at that place where you have thoughtless awareness. It's told by, also Jung has talked about it, that you get into thoughtless awareness. Patanjali has talked about it. But talking about it is not sufficient, as I told you, it has to happen. So first thing that happens to you, you become thoughtlessly aware. There's no thought, no reaction. When the Kundalini rises through these six centers, which are responsible for your physical, mental and emotional being, she nourishes them. She nourishes them with light. And then she integrates them. And when she reaches this spot, she opens up this fontanelle bone area. This is the last breakthrough of your evolution. Whatever I'm saying, we can prove it also. It's not just talking. But these Kundalini's awakening, which takes place, it actually makes your hands speak. You start feeling the cool breeze coming out of your fingers and through your hand and here also. You feel the cool breeze actually. And then if you know what do these mean, 5, 6 and 7 center. In the same way, 5, 6 and 7 center. These 7 centers are on the sympathetic nervous system. But when the sympathetic and centers, 2 of them, they mix, the central system is formed of parasympathetic. And in the light of the spirit, your attention becomes purified. Not only that, but you know what is good for you and what is destructive for you. You give up all nonsense in no time. Of course, Sahaja Yoga has cured many people with all kinds of addictions, all kinds of problems. It's a fact. But that is, this Kundalini has done it, which is your own, which has enlightened your own chakras, your own centers, and has brought forth this result. देखिए, स्किल्स जो हैं वो आप अभ्यास से एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट को आप, ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन एवर क्रिएटेड बाय द नेचर जी, वेदर यू टॉक अबाउट इट्स हार्डवेयर पार्ट और वेदर यू टॉक अबाउट इट्स सॉफ्टवेयर पार्ट जी। नाउ इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन को सही तरीके से चलाने का बहुत बड़ा एक माध्यम है श्री माता जी के द्वारा दिया गया, हमको ब्लेस किया गया सहज योग। क्यों? क्योंकि ये आपको अपने बारे में अवगत कराता है जी, आपको अपने अंदरूनी जो आपके जो सिस्टम है उसके बारे में अवगत कराता है,
और आपको ये मालूम पड़ता है कि शायद मैं अभी तक कितनी मिथ्या में जी रहा था और मैं अब अगर इसको जब फॉलो करता हूँ तो मेरे पास कितना कितना लाभ होता है। ये सिद्ध होता है कि आपको एक तरह से अपनी आत्मा के प्रकाश में पूर्णतया एक सुरक्षा, इनर सिक्योरिटी मिलती है। ये बहुत बड़ा काम है। अब उससे बहुत से लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है आदि वगैरह बीमारियां ठीक हो जाती। तीसरे, बहुत से लोग गाना नहीं गाते थे वो गाना गाने लगे, बहुत से लोग भाषण देने से डरते थे वो भाषण देने लगे, और चौथे ये है कि आप दूसरों की ओर अब ऐसा ध्यान देते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है और अपने ओर ध्यान देते कि मुझमें क्या खराबी, क्योंकि आप अपने से हट गए हैं तो आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे समाज में क्या खराबी, फिर आप देखते हैं कि मेरे देश में क्या खराबी। नहीं तो पहले अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे समाज में खराबी तो मारने को दौड़ेंगे, अब वो सोचते हैं कि नहीं ये बड़ी खराबी है इसे हमें हटाना। तो इस तरह से एक शुद्धता अपने जीवन के होते साथ ऐसा जो महान मानव होता है वो सारे अपने समाज और सारे अपने देश उसकी सफाई करता है, और वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं, ये सफाई मुझको क्या करनी है, मैं तो पा चुका, मैं बैठ रहा हूँ आराम से, मैंने पा लिया और मैं अब उसमें रममान रहूँगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी को इतनी अंदर से इच्छा होती क्योंकि उसके अंदर करुणा जागता, मैंने पाया है तो औरों को क्यों न दिए। सहयोग से हमारी जो बुद्धि है जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये विजडम बनता है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है और आपके पास डिवाइन डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप जानते हैं कौन ठीक है कौन नहीं, कहाँ तक बोलना चाहिए, कहाँ तक बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए, और जो भी आप करते हैं उसका असर बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि व्यक्तित्व ही बड़ा बढ़ता। व्यक्तित्व जैसे कि मैं कहती हूँ कि ईश्वर समष्टि अपने को पाता है और इस समष्टि में वो विश्व का एक अंग होगा, फिर वो समझता है कि ये पृथ्वी क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये नदी क्या है, ये समुद्र क्या है, उसमें देख के उसके प्रति उसमें एक बहुत धर्म भावना आ जाती, और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो जिससे ये वातावरण स्वच्छ रहे, उनको कहने की ज़रूरत है। तो मेरा सुझाव ये है कि जो हमारा एचआर और क्वालिटी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं और उसमें डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं, एक जो एक श्री माता जी के द्वारा दी गई टेक्निक है इसको अगर हम फॉलो करेंगे, जो हमने एक्सपेरिमेंट करें तो अगर हम मालूम पड़ भी जाएगा जी। और आई एम श्योर कि हर एक किसी के अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने भी अपना नरेट किया है, तो शायद ये दुनिया रहने के लिए बेहतर जगह होगी, जो दुनिया में एग्रेशन है वो कम होगा, कंपनीज में जो एग्रेशन है आज के तारीख में बहुत बड़ा एक वर्ल्ड ओवर इशू चल रहा है, एग्रेसिव मैनेजमेंट्स, जिससे कि हम जिस पाते हैं कि डायबिटीज हो गई, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, लोगों के लाइफस्टाइल्स जो है वो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द ऑफिस, स्ट्रेस इन द कंपनीज, द स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज फॉर द इंडिविजुअल्स। हाँ, इसीलिए जो आपका ऑफिस था जी, आपने उसमें जो प्रोग्राम रखा जी उसका नाम था स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो जो हम एग्रेसिव हुए काम किया पर वो एग्रेशन ने हमारी एनर्जी कम कर दी जी। अब लोग सब ढूंढ रहे हैं कि कोई कहता लाफिंग जो एक सिस्टम है, सुबह हंसी है तो स्ट्रेस कम होगा, कोई कहता है कि कॉफ़ी पीजिए
कोई कुछ, कोई कहता होम्योपैथिक, पर वो देखते हैं कि वो मोमेंटरी है, तो जो उस समय के लिए होंगे, ये जो हमारा लाइफस्टाइल है इसने एक नई चीज को बताया कि अब जी ये तो कर लिया, कामयाब तो हो गए या हो रहे हैं, पर स्ट्रेस और आ गया जी, अब उसका मैनेजमेंट पे चल रहे हैं, तो उन्होंने उसको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट दे दिया जिसको हम इनर पीस के लिए कहते हैं। तो उसके लिए आप कैसा सोचते हैं कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि आपने स्पेशली ऑफिस में कराया, आप खुद जो इतने साल आपका इतनी एक्सपर्टी है, आप क्या सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरा अपना अनुभव यह रहा कि जो जिन लोगों ने ये कोर्स किया जी, दे केम बैक टू मी जी एंड दे वांटेड टू नो इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल आई वाज माई सेल्फ नॉट प्रेजेंट, तो जो लोग ने अटेंड किया उन लोगों ने आकर के पूछा कि ये कौन लोग थे, क्या आप दोबारा से उनको बुला सकते हैं, रिपीट प्रोग्राम करवा सकते हैं क्या? तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है, और लोगों को जब जिज्ञासा कब बढ़ती है, जब उनको इनर पीस कुछ मिला। हाँ, सही बात। मेरी एक कोलीग थी, उनको डिप्रेशन से पीड़ित थी जी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा कि आपको शायद मेडिकल एलोपैथी में होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं मिले, आप सहयोग में जाइए, आपको वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट मिलेगा और वो ट्रीटमेंट आपको फ्री ऑफ एनी चार्ज होगा जी, आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा, आपको मिलेगा वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे आपको भाई बहन मिलेंगे जी, आपको वहाँ पे अफेक्शन मिलेगा, लव मिलेगा जी, जो शायद आपको कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसके कारण से आपके डिप्रेशन है जी। शी फॉलोड माई एडवाइस एंड टूडे शी इज ए क्योर्ड पर्सन। ओ, शी इज ए क्योर्ड पर्सन। एक चीज और, उसमें सब जो देख रहे हैं उनके लिए, जैसे आपने बोला कि जिन्होंने ये, क्योंकि आप बिल्कुल कॉर्पोरेट एक्सपर्ट हैं, कि जिन्होंने, आप ये कहना चाहते हैं जिन्होंने कोर्स किया, मतलब जब वो प्रोग्राम हुआ उसमें उन्होंने जब जो भी एक सिंपल सिस्टम बताया गया, मेडिटेशन हम उसको बोलें, एक इनर पीस को ढूंढना बोलें, क्योंकि अगर हम एकदम से किसी को बोलते हैं साहब आप मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, तो इतनी सारी कन्फ्यूजन्स हैं इसको लेके, तो कुछ भी सोचेंगे, पर सिंपल हम कहना चाहेंगे कि उस ऑफिस में जब लोगों ने सिंपली फोटो के सामने हाथ खोले और उन्होंने, आप जैसे कह रहे हैं कि सबने फील किया और उन्होंने कहा कि इसको कभी दोबारा हो तो दोबारा कराएं, और ये आपका अपना एक एक्सपीरियंस था लाइफ का, जब से आपको जॉइंटिस के बाद एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हुई कि अंदर चेंजेस आते हैं और उसको फील करते हैं, इट इज़ नॉट ए फिलॉसफी, ये एक अनुभूति है, ये एक एक्सपीरियंस है जो कोई भी ले सकता है। बिकॉज द फोटोग्राफ हैज द वाइब्रेशंस, यू कैन टेस्ट इट, गेट ट्रेमेंडस वाइब्रेशंस फ्रॉम द फोटोग्राफ, इट्स अ काइंड एज वी कैन कॉल ए फिगर विच एमिट्स वाइब्रेशन, आई डू नॉट गेन एनीथिंग बाय दैट, बट यू विल गेन So you have to sit down and meditate before the photograph. It's full of vibration. It's so effective, I tell you. Let's all enjoy opening our hands softly before Holy Mother with an open mind to receive God's love. We will enjoy this instrumental music and pray in our hearts to feel the Mother Kundalini, the Shakti that is within us. Thank you.
And when I sit before her, ji, I share all my problems with her. Ji, 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 ji. And I get the solutions from Sangeeta. Ji, ji, बता रही हूँ. जो आपने पीछे दिखाए, ji, जो है blessings and solutions. हाँ. Solutions वहाँ से निकल के आते हैं अपने आप. Ji, ji, ji. और आपको उनको मांगने की शायद जरूरत नहीं होती. Mother knows better your problems. Like my mother knew without my telling. She would look at my face and she will know. Thank you.